जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अभ्यर्थी एक बार फिर से आज प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं और एपटेक को पूरी तरह से बाहर करने की इनकी मांग है। कौन कहता है आप देखेंगे, मैं चाहूंगा आप जूम करें, जिसमें आप देखेंगे पेज नंबर मैं आपको दिखा दूं, ये एफिडेविट है। एपटेक कहती है कि एफिडेविट की क्लॉज बदल दी जाए और JKSSB मान जाती है। कल तक जो कह रहे थे सभी कंपनियों ने हमें कहा है कि क्लॉज बदली जाए, सभी कंपनियों ने ऐसा कह रहे थे, कुछ मीडिया संस्थानों के सामने वो ऐसा कह रहे थे। खुद भी अगर वो ये कह रहे हैं कि सभी कंपनियों ने कहा तो फिर यहाँ एक कंपनी का ही क्यों है? और जिस कंपनी ने कहा वो खुद ब्लैकलिस्ट थी, मतलब चोर कहे कि चोर वाला टैग हटा दो तो मैं आ जाऊंगा, तो वो आ गया और बाद में छाती ठोक के उसको डिफेंड कर रहे हैं कि हमने जो जनरल फाइनेंशियल रूल जो है वो फॉलो करे हैं। जनरल फाइनेंशियल रूल में एक क्लॉज ये भी है कि टेंडर की नेचर चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई क्लॉज इन बिटवीन नहीं आना चाहिए, तो आपने वो चेंज करा। कहीं ना कहीं आपने जो भी करा आज आप उसको डिफेंड कर रहे हो और अपने पुराने जो आपके पुराना रसूख, कहीं आप रहे एक बड़े ऊंची जगह पे आप रहे और वहां रहने रहते हुए आपने जो फायदे लिए कुछ राजनीतिक लोगों के साथ मिलके, आप उस सारे षड्यंत्र को एक अमली जामा पहनाना चाह रहे हो, आप खुद को बचाना चाह रहे हो। अभी का डिमांड क्या आपके, आप किसे? हमने कहा कि सख्त कानून इमीडिएटली हमें चाहिए, सरकार आश्वस्त करे, LG साहब का बयान तुरंत चाहिए, वैसे बयान उनके बहुत आ रहे हैं। दूसरा जो सरकार, एक और हमें सरकार से आश्वासन चाहिए कि हमारी जो अगली भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो प्राइवेट प्लेयर नहीं करेंगे, सरकार खुद करेगी और सरकार के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फास्ट ट्रैक मोड पे चाहिए हमें बहुत समय, 4-4, 6-6 महीने नहीं चाहिए, एग्जाम कैलेंडर डेफर होने वाली बात सोल्यूशन नहीं, एग्जाम नहीं हुआ वो डिमांड हमारी थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने कैलेंडर बाद में लेके आए, हमारी डिमांड पिछले 9 महीने से यही चल रही है कि एक सख्त कानून पेपर लीक को रोकने के लिए हो। आप कह रहे हैं कि सबूत दो, कार्रवाई हम करेंगे, ये सबूत है, ये फायर एंड इमरजेंसी का वो कह रहे थे, एक भी बयान थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा कम बोला उनका, पूरा बयान तो कुछ ऐसा था कि एक भी व्यक्ति अगर कहीं गलत तरीके से लगा हमारे सामने आप बता दो तो मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा, तो ये वो सबूत है। वसीम आजाद फायर एंड इमरजेंसी में आज की डेट में अपॉइंटी है, इनका आप हाइट चेक करिए, ये बहुत क्लोज है बिलाल शाह या याकूब डार जो सुपरवाइजर थे, इसके साथ इनके खिलाफ जो रिक्रूटमेंट हुई थी इसकी आज की डेट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। इसके अलावा सरकार ने LG प्रशासन ने RK गोयल साहब के पास एक कमेटी बनाई है जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस इंटरनल जो इंक्वायरी है इसको तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा, ना उनके ग्राउंड के रजिस्टर, ना उनकी फुटेज वीडियोग्राफी, तो फिर वो रिकॉर्ड गया कहाँ? चोरी पकड़ी ना जाए इसलिए चोरी के जो सबूत है मिटा दिए गए हैं। हम बार बार कहते रहे हैं जब कार्रवाइयाँ करनी होती है उस समय कार्रवाइयाँ ना करी जाए, सबूत मिट जाते हैं, उसका परिणाम यही होता है कि उसके बाद साथी ढोके ये कहा जाता है कि हमने सब कुछ ईमानदारी से किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास वो लोगों के नाम भी है और ये जो 5-5, 6-6 लोग या 3-3 लोग भाई भाई आए हुए हैं, कौन सा बॉर्नविटा पिला के इनको अपने परीक्षा में बिठाया था हम जानते हैं, और जो फोन आज की डेट में RK गोयल साहब के पास पड़ा है वो फोन हमने फोन दिया, उसका बैकअप भी हमारे पास है, सोर्स फोन आज भी RK गोयल साहब के पास है, वो फॉरेंसिक के पास भेजा जाएगा तो अपने आप समझ आएगा कि किस डेट को कौन बंदा कौन सी हाउसबोट में बैठा था, लोकेशन तक सामने आएगी, फोन कॉल तक सामने आएंगे, बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी सामने है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी छाती ठोकी जा रही है कि हम ईमानदार हैं, ईमानदार नहीं है, अगर ये ईमानदार है तो कोई तो बेईमान है, उनके ऊपर कार्रवाई चाहे वो इनका टॉप। हमने बार बार 3 मांगे अपनी रखी है, जो कानून सख्त कानून लेके आई है पेपर लीक को रोकने के लिए, दूसरा जो प्राइवेट कंपनियां उनको बाहर करिए, सरकार खुद हमारी परीक्षा कराए, और स्कैमरों को बाहर करो, सजा दो जो लोग पुराने चार सीटों में आने चाहिए था, अभी तक चार सीट आपने नहीं करी है उनको अरेस्ट करो। री एग्जाम कौन सा हुआ, जब एग्जाम हुआ ही नहीं तो उसका री कैसे? और दूसरी बात, वो अगर हमें री एग्जाम कहते हैं हमें उसकी तकलीफ नहीं है, लेकिन एक बात उन्होंने साबित करी है, जब भी कार्रवाइयां होने लगी हैं, LG प्रशासन ने कोई कड़ा निर्णय लेने की कोशिश करी है तो वो बाहर आए हैं, उन्होंने डिफेंड किया उन स्कैमरों को जो लोगों ने चोरियां करी थी, कल तक उनके साथ यही इसी प्रेस क्लब में खड़े होकर खुद को मेरिटोरियस कहते थे, जब मेरिट की लिस्ट नहीं आई थी इसी प्रेस क्लब में बैठ के वो उन लोगों के साथ नारे लगाते थे, वी वांट सिलेक्शन लिस्ट, जिनके घरों में रेड हुई है, जिनके 4-4 लोग एक फैमिली के आए थे। मुझे लगता है वो जब भी बाहर आए हैं आज तक इसकी जांच होनी चाहिए, किसके बहकावे में आके, चाहे वो JKSSB किसी अधिकारी के बहकावे में आके या फिर खुद उनके कोई रिश्तेदार उनको फोन करते हैं कि आप जाओ हम आपको पीछे से पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि चोरी हुई थी ये LG प्रशासन ने माना, रिपोर्ट में भी आया, लेकिन वो एक भी बार उन लोगों को खिलाफ कार्रवाई के लिए के बाहर नहीं आएगी कार्रवाई हो।
बिल्कुल देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि पेपर लीक को लेकर एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है और साथ ही साथ एपटेक को बाहर किया जाए और जो कैलेंडर अब दोबारा से जारी किया जाना है वो जल्दी जारी किया जाए। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में आज ही उम्मीदवार दोबारा से पहुंचे थे, एपटेक को लेकर इनका विरोध जारी है और ये भी कहा इन्होंने कहा है कि जो दूसरा ग्रुप इनमें से सामने आया जो इन्हें री एग्जामिनेशन गैंग कहता है उसके तार जो हैं वो ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो कि स्कैमर हैं और हमेशा जांच को प्रभावित करते हैं। तो प्रदर्शन आज यहां पर एक बार पूना जो है वो इनका देखने को मिला है और यही मांग है कि सख्त कानून बनाया जाए और साथ ही साथ एपटेक को जल्द बाहर कर जो नया एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो जारी किया जाए, लेकिन इम्तिहान सरकार खुद ले, ना कि आप किसी तीसरी कंपनी को इम्तिहान लेने की जिम्मेदारी दे। नमस्कार।